हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन और आप देख रहे हैं पिक्सल यूनिवर्स। तो आज हम करेंगे इस फोटो को एडिट, तो कुछ इस तरीके से। तो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। तो सबसे पहले मैं इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ लाइट रूम में। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा फोटो लाइट रूम में आ चुका है। तो अभी हम इसको करेंगे एडिट। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइट को ठीक। तो कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ 38 तक, 36 सही है। और लाइट को हम पूरा कम कर देंगे। शेडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 28 सही है। वाइट को कम कर देंगे इतना सा, 58 तक। और ब्लैक को भी थोड़ा कम कर लेंगे, तो रखेंगे हम 47 में। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे इफेक्ट्स पे। इस पर आने के बाद हम क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 14 तक। और विग्नेट को हम थोड़ा घुमा देंगे 36 से 35। ठीक है, इतना सही चलेगा। अभी हम जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 5 या 6 तक, तो 7 में रख देते हैं। अभी हम टिंट को थोड़ा सा कम आएंगे, और ब्राइटनेस को हम रखेंगे 39, 40 या 39 में रख देंगे। सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे 5 या 6। तो अभी हम जाएंगे ब्रेंस पे, डेथ 3 डॉट में, इधर देख सकते हो। और इसको हम घुमा के लाएंगे 232 तक, नहीं 209 में रख देते हैं। और इसको लाएंगे 32 में, 30 32 सही है। ठीक है, इसको अभी हम डन कर देंगे, नहीं इसको पहले ब्लेंडिंग को पूरा 100 कर देंगे, उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे कलर पे जाएंगे। तो कलर पे जाने के बाद हमारा फेस देख सकते हो कुछ येलो येलो हो गया, तो उसको घटाएंगे। तो इसको सेचुरेशन को माइनस कर देते हैं। सेचुरेशन को रखते हैं करीब 30 तक, 40 कुछ ज़्यादा हो गया, तो 30 में रखेंगे सही है। और ह्यू को भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे, लाइट को भी थोड़ा कम देंगे 10 तक। अभी योलो को हम थोड़ा सा कमा देंगे, मतलब एकदम घटा देंगे। तो ह्यू को हम घटा दिए, सेचुरेशन को भी घटा देंगे। रहेंगे ग्रीन पे, ग्रीन पे आने के बाद ग्रीन को पूरा सेचुरेशन माइनस कर देंगे। तो ह्यू को कर देंगे थोड़ा सा कम, 66 में रख देते हैं सही है। फिर हम जाएंगे स्काई ब्लू पर, स्काई ब्लू का सेचुरेशन पूरा घटा देंगे, ल्यूमिनस को भी थोड़ा कम कर देंगे। और जो ह्यू है उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, 55 में रख देते हैं, 55 54। अभी हम आते हैं ब्लू पर, और ब्लू का सेचुरेशन पूरा घटा देंगे, ह्यू को भी पूरा घटा देंगे, और ल्यूमिनस को थोड़ा सा कम कर देंगे करीब 30 तक। देंगे पर्पल पर, तो पर्पल पर आने के बाद सेचुरेशन को पूरा कम कर देंगे। प्लस पिंक पे आने के बाद पिंक का सेचुरेशन को भी पूरा कम कर देना है, और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे करीब 10 तक। ठीक है, तो हमारा फोटो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसको अभी ले जाएंगे स्नैपशीट पे। तो स्नैपशीट पे ले जाने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से शेयर करेंगे तो फोटो का क्वालिटी में इशू आ जाएगा। तो हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो अभी हमने ओपन कर लिया स्नैपशीट को। अभी इधर प्लस पे टैप करके यहाँ से फोटो को कर लेंगे ओपन, ताकि हमारे फोटो क्वालिटी में कोई इशू ना आए। अभी जाते हैं सिलेक्टिव पर, सिलेक्टिव पर जाके हम लाइट को ठीक कर लेंगे अपना फेस का, जो कि नीचे थोड़ा काला काला दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे। अभी हम फिर से जाएंगे टूल्स पर, हीलिंग पे। हीलिंग पे जाने के बाद जो आपके फेस पे या फिर पिंपल या फिर कोई दाग रहेगा, तो उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना, खुद ब खुद ये गायब कर देगा ऐसे। देख सकते हो मेरा गल पे जो दाग था, डार्क स्पॉट था, वो गायब हो चुका है। या फिर थोड़ा सा काला इफेक्ट आ गया, तो उसको भी हम ऐसे ही रिलीज कर लेंगे। बाकी कहीं पर पिंपल है तो उसको भी ये चला सकते हो, जिसके
इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे ऐसे डन, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको हम स्केच बुक पर ऑन कर लेंगे। तो स्केच बुक पर आने के बाद तो अब देख रहा हूँ फोटो कुछ इस तरह से है। तो अभी हम ऐसे शिफ्ट करेंगे फोटो को स्मूथ, स्मूथ करने के लिए मैं इसको टच ब्रश को सेटिंग्स देख सकते हो। इसको हम पाँच में करें, फॉलो को पाँच या छः पर रखना, मैं पाँच पर रखता हूँ, छः पे करता हूँ। अभी फोटो को करेंगे थोड़ा जूम, साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी करेंगे स्मूथ। देख सकते हो फोटो कितनी बढ़िया तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो ऐसे देख सकते हो हमारा स्मूथ कंप्लीट हो चुका है। तो स्मूथ के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना दिया है, इस फोटो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप स्मूथ का वीडियो देख लेना। अभी हम इसके ऊपर करेंगे पेंज गॉड, तो ऐड करने के लिए हम जाएंगे कंपस वाले टूल्स पे, ऐसे इम्पोर्ट इमेज करेंगे। तो आ चुका है हमारा पेंज, तो अभी आप ऐसे टिक करके दबा के ब्लेंडिंग को स्क्रीन कर लेना। तो स्क्रीन करने के बाद फिर से जाएंगे कंपोज वाले सेक्शन पे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को टैप करके ऐसे हम करेंगे डन। डन करने के बाद फिर से लेयर में आएंगे, लेयर में आने के बाद इसको करेंगे डुप्लीकेट। अभी फिर से हम जाएंगे कंपस पे, कंपस पे जाने के बाद फिर से हम ट्रांसफार्म में मारेंगे, इसको ऐसे हटा के एक और लेयर बना लेंगे, लेयर लगा के इसको सेट कर देंगे। इसको कुछ इस तरीके से बिठा देंगे, फिर ऐसे हम करेंगे डन। फोटो हो चुका है हमारा रेडी। तभी मैं ऐसे आपको इसको कर लेंगे सेव। फोटो का किसी टाइप को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फेस स्मूथ का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना।